इस वक्त की बड़ी खबर, मेरठ के दौराला स्टेशन पर सहारनपुर दिल्ली पैसेंजर ट्रेन में लगी आग, दो कोच भी जले। मेरठ के दौराला स्टेशन पर सहारनपुर से दिल्ली जा रही पैसेंजर ट्रेन में आग लग गई। आग लगने की घटना से अफरा तफरी मच गई। हालांकि जिन कोच में आग लगी उनके यात्री तुरंत बाहर निकल गए। गनीमत यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। मेरठ में शनिवार सुबह दौराला स्टेशन पर सहारनपुर से दिल्ली जा रही पैसेंजर ट्रेन के दो कोच में भीषण आग लगी। जैसे ही धमाके के साथ कोच से धुआं उठना शुरू हुआ, यात्री कोच से बाहर आने लगे। रेलवे के अधिकारियों के अनुसार प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट होने से कोच में आग लगी है। गनीमत यह रही कि ट्रेन दौराला स्टेशन पर खड़ी थी। दौराला स्टेशन पर सुबह 7:10 पर ट्रेन पहुंची। रोजाना की तरह दैनिक यात्री ट्रेन आने का इंतजार कर रहे थे। इस ट्रेन से काफ़ी संख्या में दिल्ली नौकरी पेशा यात्री सफ़र करते हैं। कोच में आग लगने पर तुरंत ही यात्रियों ने अन्य कोच से बाहर निकलना शुरू कर दिया। हालाँकि कोच में आग पूरी तरह फैल गई। खबर लिखे जाने तक आग बुझने के इंतजाम नहीं हो पाए थे। सहारनपुर दिल्ली पैसेंजर ट्रेन के दो कोच में आग लगने के बाद अन्य कोच को बचाने के लिए यात्रियों ने धक्का लगाकर ट्रेन को आगे खिसकाया। बताया गया कि यात्रियों ने खुद ट्रेन के अन्य कोचों को अलग करते हुए धक्का लगाकर स्टेशन की ओर बढ़ाया। दौराला रेलवे स्टेशन पर सहारनपुर दिल्ली पैसेंजर में आग लगने के बाद दिल्ली मेरठ रूट भी प्रभावित हो गया है। सुबह के समय कई महत्वपूर्ण ट्रेन मेरठ होकर देहरादून और दिल्ली के लिए जाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण ट्रेन दिल्ली से देहरादून के बीच चलने वाली शताब्दी है। बता दें कि शताब्दी को मेरठ सिटी स्टेशन पर रोका गया है। इसके अलावा जम्मू से चलकर वाया मेरठ होकर दिल्ली जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस को सकौती स्टेशन पर रोका गया है। वहीं प्रयागराज से चलकर वाया मेरठ सहारनपुर को जाने वाली नौचंदी एक्सप्रेस को भी सिटी स्टेशन पर रोका गया है। इसके अलावा कई अन्य ट्रेनें भी अभी मुजफ्फरनगर खतौली स्टेशन पर रोकी गई हैं। तो यह थी इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़। मैं था आपके साथ साहिल अस्थाना और आप देख रहे थे सोशल संवाद। धन्यवाद।